हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको डिलीवरी के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए, डिलीवरी के बाद वैसे भी शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती हैं, बहुत सा महिलाओं को टाका लगता है, यानी कि डिलीवरी के दौरान कट लगाया जाता है और टाका लगाया जाता है, तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। अगर उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो पक सकता है और आपको ब्लड आ सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। तो उसका देखभाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्ची की देखभाल तो करनी होती है, लेकिन हमें टाकों की देखभाल भी करनी होती है और अपने शरीर का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है तो खाने पीने का ध्यान रखना होता है। तो देखिए, अगर हम खाने पीने की बात करें तो सभी के घर में खाने पीने का अलग अलग नियम होता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें कि फाइबर हो, मतलब ये कि आपका खाना अच्छे से पच जाए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप कुछ ऐसा खाते हैं जिससे कि आपको कब्ज़ की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप जोड़ लगाएंगी तो एक तो पाइल्स होने की समस्या हो सकती है, पाइल्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा आपका टाका भी खुल सकता है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको हल्का फुल्का खाना खाना है जिससे कि आपकी कब्ज़ की समस्या दूर हो सके और आपको कब्ज़ की समस्या ना हो। अगर फिर भी आपको कब्ज़ होता है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि डॉक्टर से मेडिसिन ज़रूर लेके आइए, क्योंकि लंबे समय तक अगर कब्ज़ की समस्या रहेगी तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो कब्ज़ से बचने के लिए आपको गर्म पानी पीना है, मतलब कि गुनगुना पानी पीना है। जितना गर्म पानी आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना गर्म पानी आपको लगभग 40 दिनों तक पीना होता है। ये आपको पता ही होगा, हर एक घर में ये नियम होता है। ठंडा पानी भूल जाइए, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना है। एक तो अंदर से सिकाई होती है क्योंकि ब्लीडिंग भी होती है, बच्चा बाहर आता है तो बहुत सारे अंदर घाव वगैरह हो जाते हैं, तो उसकी मरम्मत के लिए, अंदर से सिकाई के लिए गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गर्म पानी पीना। इसके अलावा पेट अच्छा रहता है, इस वजह से गर्म पानी पीना है। बहुत सारे लोग अजवाइन का पानी पीते हैं, इलायची डाल लेते हैं, कुछ लोग कुछ भी डाल के पीते हैं। तो आपके यहाँ जैसा नियम है आप वैसा पानी पी सकती हैं, कुछ नियम नहीं है तो गर्म पानी पीजिए। एक बॉटल ले आइए, उसमें गर्म पानी भर के रख लीजिए और उसको पीजिए, ठीक है। इसके अलावा फाइबर वाला खाना खाइए, हल्का फुल्का होना चाहिए, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। बाकी आपके घर में जैसा खिलाया जाता है वैसे आप खा सकते हैं, दलिया वगैरह और हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, फल वगैरह खाइए, जूस वगैरह पीजिए, नारियल पानी पी सकती हैं, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए, तो आपका काम आराम से चल जाएगा और आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। इसके बाद देखिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका टाका खराब ना हो जाए। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टाका गीला ना रहे। ब्लीडिंग होती है लेकिन आपको टाइम टू टाइम अपने पैड को चेंज करना है, क्योंकि जब हम मैटरनिटी पैड लगाते हैं या फिर आप नॉर्मल पैड भी लगा रही हैं तो वो ब्लड को सोखता है तो गीलापन नहीं रहता, लेकिन लंबे समय तक आप पैड को चेंज नहीं करेंगे तो गीलापन रहेगा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। बाकी आप यूरिन पास करके, पोटी पास करके भी अपने टाकों को किसी सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, तौलिए से पोंछ लीजिए ताकि पानी हट जाए और वहाँ पर गीलापन ना रहे। इसके अलावा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, गंदा पैड मत लगाइए, गंदी पैंटी मत पहनिए, अपने टाकों को गीला मत रखिए और गुनगुने पानी से साफ़ कीजिए। डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन लगाने के लिए दिया है, क्रीम लगाने के लिए दिया होगा, उसको टाइम पर लगाइए, गर्म पानी में बैठिए तो आपका टाका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, यानी कि टाके की देखभाल करनी होगी आपको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको जो ध्यान रखना होगा वो रखना होगा टेंशन का, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं डिलीवरी के बाद टेंशन में आ जाती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, दर्द होता है, बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे टेंशन नहीं लेना, थोड़ा दर्द है बर्दाश्त कर लेंगे, हमें अपने बच्चे की देखभाल करनी है तो कोई और करने नहीं आएगा। तो सारी बातें सोच के अपने आप को कूल डाउन रखिए, कोई भी टेंशन नहीं लेना, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को गलत तरीके से बैठने की वजह से ना कमर में काफ़ी दर्द हो जाता है, वैसे ही आपका शरीर कमज़ोर रहता है और गलत तरीके से बैठ के दूध पिलाने से या फिर गलत तरीके से बैठने से आपके कमर में, पीठ में काफ़ी दर्द हो जाता है। तो आपको बैठते समय ध्यान रखना है कि सीधा होकर बैठिए, पीठ के पीछे तकिया लगा लीजिए ताकि आपको आराम मिले और आप आराम से बैठ सके, नहीं तो पीठ में कमर में काफ़ी दर्द होगा और आपको ही दिक्कत होगी। और हाँ, देखिए, इस समय आपको गर्म पानी से नहाना चाहिए, इतना गर्म नहीं कि शरीर जल जाए, लेकिन गर्म पानी से नहाया जाता है, हमारे यहाँ तो गर्म पानी से ही नहलाया जाता है। तो मैं आपको भी सलाह दूंगी कि डिलीवरी के बाद गर्म पानी से नहाइए, एक तो शरीर में दर्द ठीक होता है और बीमार भी नहीं पड़ती हो, बच्चे को दूध भी पिलाना होता है, तो गर्मी का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम हो आपको मौसम के हिसाब से गर्म पानी से ही नहाना है। और देखिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि नहाने के बाद ना बिस्तर पे लेट जाना होता है, अपने आप को ढक लेना होता है और जब पसीना आ जाता है तब हटना होता है, मतलब कि तब चादर को हटाना होता है या फिर रजाई को हटाना होता है ताकि
शरीर में गर्माहट आ जाए। तो अगर आपके यहाँ पर ये नियम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये फॉलो आप जरूर करना, इससे आपको सर्दी नहीं लगती है। इसके अलावा आप बहुत जल्दी रिकवर भी करते हैं। और हाँ देखिए, ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पेट में हवा चली जाती है और दिक्कत होती है, इसलिए कम से कम बातचीत करें। और ऐसा माना जाता है कि बातचीत करने से दिमाग पर भी जोर पड़ता है, तो आपको ये काम नहीं करना, चुप रहना है और आराम करने पर ध्यान देना है, कम बोलना है। इसके अलावा डिलीवरी के तुरंत बाद आपको बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, ये भी आपके लिए सही नहीं होगा, आंखों पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ेगा और आपके दिमाग पे भी जोर पड़ेगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा। इसलिए डिलीवरी के बाद टीवी और मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। और हाँ देखो, ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपने सिर को और कान को ढक के रखना चाहिए, तो आप ये कीजिए कि भाई गर्मी का मौसम है तो किसी सूती कपड़े से अपने कान को और सर को ढक के रखिए, ठंड का मौसम है तो आप मफलर से या फिर क्या बोलते हैं, ओढ़ने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसे, स्टॉल वगैरह बोलते हैं शायद, तो आप उससे अपने आप को ढक सकती हैं, ठीक है। यानी कि अच्छे से कवर करके रखिए अपने नाक को और अपने सिर को। और इसके अलावा देखिए, ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के बाद आपको अपने बालों में ज़्यादा कंघी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो नामकरण से पहले कंघी नहीं करते हैं, लेकिन डेली नहा के डेली तेल लगाते हैं, बहुत भर भर के लगाते हैं, ताकि सर मजबूत हो जाए, बाल मजबूत हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कंघी मत कीजिए, हल्का फुल्का कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा मत कीजिए, ऑयल लगा के रखिए ताकि बाल मजबूत हो। और हाँ देखिए, डिलीवरी के बाद ना नॉर्मली ही महिलाओं को मालिश ज़रूर करवाना चाहिए। मालिश कराने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, बहुत सारे। तो अगर आपका मालिश हो सकता है तो ज़रूर मालिश करवाइए, बहुत फ़ायदे मिलेंगे। और आपको प्रेगनेंसी में ही किसी मालिश वाली से बात कर लेना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो कि बाद में बात कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पहले ही बात करके अपना तय कर लो, क्योंकि बाद में कोई ध्यान रखने वाला होता नहीं है और हम ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान आपको खुद ही रखना होगा, तो पहले ही मालिश वाली तय कर लीजिए और डेली मालिश करवाइए, अपने भी और अपने बच्चे की भी, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, बहुत सारे फ़ायदे भी उठा पाएंगी। बाकी देखिए, डिलीवरी के आपको लगभग 6 वीक तक रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, रिलेशन नहीं रखना चाहिए। और हमारे यहाँ तो ऐसा बोला जाता है कि लगभग 3 महीने तक, यानी कि 3 मंथ तक रिलेशन नहीं रखना चाहिए। तो आपकी मर्जी है, कम से कम 6 सप्ताह तक तो अपने हस्बैंड से दूर रहिए, रिलेशन मत बनाइए। इसके अलावा देखिए, बहुत समय लोगों को लगता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, और मैं मोटी हो चुकी हूं तो मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और अपने हिसाब से चलना शुरू कर देती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। डिलीवरी के बाद आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, आपका खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है, तो जो भी आपको खिलाया जाता है, आपके घर वाले खिला रहे हैं, उसको खा लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा होता है, आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है। ताकत रहेगा तभी आप आगे जाके अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर पाओगे, अपने बुढ़ापे को अच्छा जी पाओगे। अगर अभी आपका क्या बोलते हैं जापा ख़राब हो जाएगा ना, तो आगे आपको ही दिक्कत होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, खाने पीने में कोई कोताही नहीं बरतनी है। इसके अलावा देखो, आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, बच्चे दूध पिलाना होता है या फिर आपका शरीर भी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता कि आप ठंडी चीज़ें बर्दाश्त कर सकें, तो चावल मत खाना, ठंडा फ्रीज से निकला हुआ दही, आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको नहीं पीना है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।